हेलो वालेकुम आज आप लोगों को पढ़ना है हम लोग एस क्यू एल में क्यूरीज कैसे बनाते हैं जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एस क्यू एल होता क्या है सिंपली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसमें हम आज Uh, कुछ क्यूरीज लिखेंगे जिससे आप लोग uh, आप लोग कुछ चीज़ें कर पाएंगे अपने डेटा में या डेटा में जो आपके टेबल्स हैं तो हम आज से बेसिक कीरीज सीखेंगे सबसे पहले हम अपने जो चार ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से टेबल को देखिए जो ऑलरेडी हमने डेटा बनाया है सैम्पल नाम का इसमें हमारे तीन टेबल्स हैं एक ई एम पी है एक स्टूडेंट है एक सब्जेक्ट है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ सो दैट जब हम एस की मदद से इनको देखें तो आप लोगों को कोई नहीं रहना चाहिए इसमें तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है ई इसमें ये चार कॉलम्स um, हैं या फील्ड्स हैं और स्टूडेंट टेबल है स्टूडेंट टेबल पे हमने अभी तक बहुत सारा काम किया हमने फॉर्म्स बनाए रिपोर्ट्स बनाए स्टूडेंट टेबल पे और हमारे पास सब्जेक्ट टेबल है तो सब्जेक्ट में हमारे पास uh, भी चार कॉलम्स हैं और तीन रोज़ हैं हमारे पास तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूरी बनाना एस की मदद से हम लोगों को ऑब्जेक्ट चूज़ करना है क्यूरीज और ना हमें डिज़ाइन व्यू में जाना है ना हमें विजर्ट यूज़ करना है हम एक है क्यूरी एस व्यू से तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को देखिए एक सिंपल खाली पेज आ रहा है तो आप यहाँ पे अपनी क्यूरी जो है आप इसमें कोई से फॉर एग्जांपल स्टार फ्राम टेबल का नाम ये सबसे बेसिक क्यू है डेटा निकालने की सेलेक्ट स्टार का मतलब सब कुछ सेलेक्ट मीन्स रिट्रीवल के लिए जो हम यूज़ करते हैं कमांड सेलेक्ट उससे होता है फ्रॉम मीन्स कहाँ से और हमें फिर टेबल का नाम लिख देना है फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय ई एम पी तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें आ रही हैं एक रन एस क्यूएल तो हम यहाँ पे अगर रन करेंगे एस तो यहाँ पे डायरेक्टली ये एम्प्लॉय टेबल आप लोगों के सामने डिस्प्ले है और यहाँ पे आप अपनी क्यूरी को सेव भी कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे सेव करिए और इस क्यूरी का कोई नाम दीजिए से फॉर एग्जांपल मैं इसको एम्प्लॉय एस रख देती हूँ नाम ई एम पी एस क्यू एल इसको ओके okay कर देंगे और इसको आप बाद में बंद भी कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पे ई एम पी एस क्यू एल की क्यूरी आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आउटपुट आप लोगों का आ जाएगा यहाँ अगर आप इसको एडिट करना चाहें आप इस पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं इसको हम बंद कर देंगे न्यू एस क्यू एल तो हम तो हम क्या करेंगे हम एक नई क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल तो इसको रन कर देंगे आप तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो टेबल है ये स्टूडेंट वाला खुल गया आप इसमें दूसरी चीज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए जिनका सब्जेक्ट साइंस है या जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो आप देख सकते हैं साइंस के कितने बच्चे हैं एक दो तीन चार पाँच और छः बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वह सब्जेक्ट इज़ इक्वल टू एस सी साइंस तो इस क्यूरी को आप रन कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे आ रहे हैं जिनका साइंस सब्जेक्ट है और एक चीज़ बेटा जब आप लोग आ, वायर क्लॉज यूज़ करें जैसे सब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किया है वायर के साथ लेकिन यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट है वायर कैर का डेटा टाइप तो ये आप कोट्स में लिखिए अगर मैंने ये कोट्स में नहीं लिखा तो देखते हैं क्या होता है मैं ये कोट्स में नहीं लिखूँगी मैं इसको सिंपली रन कर दूँगी देखेंगे उससे रन होगा या नहीं तो ये फिलहाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे क्रिएट क्यूरिन एस व्यू तो यहाँ पे फिर से हम क्यूरी क्रिएट करते हैं क्रिएट सॉरी हम अभी टेबल नहीं बना रहे अभी हम सिर्फ बने हुए टेबल्स पे अपने जो ये हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त हम खोलते हैं तो इसको रन कर देंगे तो ये मेरा खुल गया एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे मैं अब अपना वायर क्लॉज यूज़ करती हूँ वायर Um, B R ए N C H ब्रांच इज़ इक्वल टू एस सी तो यहाँ पे मैं ब्रांच लिख रही हूँ एस सी सिंस ये टेक्स्ट देखते हैं क्या ये यहाँ एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है द डेटा कंटेंट कुड नॉट बी लोडेड क्योंकि जो एस सी है वो कॉलम में इसने वैल्यू नहीं ढूंढा अगर लेकिन मैं ये कोट्स में लिखूँगी तो इस तरीके से तो अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए अब दिखाया बिकॉज़ ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ये एक टेक्सचुअल वैल्यू है जब भी आप एक टेक्सचुअल वैल्यू को यूज़ करें इस तरीके से एकवालिटी ऑपरेटर के साथ जैसे मैंने वेयर क्लॉज के साथ ब्रांच का वैल्यू कंपेयर किया है टू एस सी तो, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरी है ये सिंगल कोर्ट्स में रखना तो इसी तरीके से अगर मैं इसके बजाय कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय स्लेक्ट स्टार्ट फ्राम एम्प्लॉय मैंने किया तो यहाँ पर सारे यहाँ पर हम इसके साथ करेंगे हम लिखेंगे वेर एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय आई डी इज़ इक्ल टू सेवन एट नाइन ज़ीरो तो यहाँ पर मैं इसको रन कर दूँगी तो देखिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कोर्ट्स की इनफैक्ट अगर मैंने यहाँ पर कोट्स लिखे तो देखते हैं क्या होता है अगर मैंने यहाँ पे कोड्स लिखे तो देखते हैं यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं तो ये फिर भी करता है लेकिन ये याद मींस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही काम करेगा लेकिन टेक्चुअल uh, वैल्यूज जैसे वैर कैर हैं उनके साथ ही काम नहीं करेगा इसी तरीके से अभी तक जो आप सेलेक्ट कर रहे थे मतलब आप डेटा रिट्रीव कर रहे थे तो वो आप इस स्टार की मदद से कर रहे थे ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लोग आ, मतलब स्टार का ही यूज़ करें आप लोग कॉलम्स का यूज़ भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्टूडेंट टेबल को रिट्रीव कर रहे हैं हम यहाँ पे क्यूरी रन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स आ गए जो भी स्टूडेंट टेबल में हैं तो ये ज़रूरी नहीं है आप लोग यहाँ पे स्टार का मतलब होता है टेबल में जो भी फील्ड्स हैं वो सब रिट्रीव कीजिए अगर आप स्टार की जगह कॉलम के जो ये हैं नाम या फील्ड्स के नाम वो लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल राइट सेलेक्ट स्टूडेंट स्टूडेंट नेम comma, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा एग्जैक्टली exactly वही लिखिएगा ठीक है वरना एरर दिखाएगा स्टूडेंट आई डी फ्रॉम स्टूडेंट तो इसको रन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आ गया फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्मॉल n लिखती हूँ और इसको क्रां कर देती हूँ तो ये क्या दिखा रहा है कॉलम नॉट फाउंड स्टूडेंट नेम का कोई कॉलम नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ पे कॉलम हेडिंग जो है बेटा वो कैपिटल लेटर से लिखी गई है दैट मीन्स ये जो फील्ड्स uh, के नाम हैं ये केस सेंसिटिव हैं आप लोगों को बराबर वही केस लिखना है जो आप लोगों ने लिखा है तो दैट्स वाई जब आप एसक्यूएल यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारे एरर्स एराइज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दीज लोअर केस हायर केस का ये जो जोल हो जाता है मतलब आपने फील्ड का नाम यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम एस बी कैपिटल है एन बी कैपिटल है तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्मॉल लिख दिया लोअर केस में लिख दिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है तो सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी ये अम, लिख सकते हैं वेर सब्जेक्ट इज इक्वल टू साइंस तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका यहाँ पे ये मतलब है इस क्यूरी का कि आप सेलेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स का नाम और आईडी स्टूडेंट टेबल से जहाँ सब्जेक्ट साइंस है आप लोगों को यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिखेगा लेकिन सिर्फ उन बच्चों के नाम दिखेंगे जिनका सब्जेक्ट साइंस होगा तो इन बच्चों के नाम साइंस हैं फॉर एग्जांपल ये इन बच्चों के सब्जेक्ट साइंस है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट uh, भी लिखेंगे तो उससे आप लोगों को ज़्यादा ही समझ आएगी ये क्यूरी तो ये बेसिक क्यूरी है बेटा आज की क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाई आप लोग एट अ टाइम आप लोग फिर जब इन क्यूरीज को रन करेंगे ना फॉर एग्जाम्पल ओके इसको मैं बंद कर दूंगी तो इन क्यूरीज पे जब आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्यूरी का आउटपुट आएगा ना कि क्यूरी में आप लोगों ने क्या लिखा हुआ था तो आप लोग इसको यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं तो आप लोगों की मर्जी आप लोग विजर्स से क्यूरी बनाएं आप लोग डिज़ाइन व्यू में क्यूरी बनाएं या फिर आप एस से क्यूरी बनाएं तो आज ये बेसिक हमें क्यूरीज में बेटा और भी एस में जो आप लोगों को सिलेबस में मेंशन में करके है आज हमने देखा हम रिट्रीव कैसे डेटा करते हैं एक टेबल से कल इनशाला मैं आप लोगों को क्यूरी से दिखाऊँगी एक टेबल को बनाना उसमें डेटा इंसर्ट करना एक डेटा को बनाना इनशाला कल हम ये तीन क्यूरीज करेंगे और फिर अगर हमें और भी कुछ सिलेबस में होगा तो आगे क्लास में वो करेंगे आज की क्लास में इतना ही खुदा हाफिज़